जीआरपी ने एक ऐसे गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर छोटे छोटे मासूम से बच्चों से मोबाइल चोरी करवाते थे। इनका गैंग गोरखपुर सहित अन्य जिलों में काफी सक्रिय है। इनका मुख्य स्थान सब्जी मंडी, भीड़ भाड़ वाली जगहें, ट्रेन, रेलवे स्टेशन आदि है। ये बच्चों के माध्यम से चोरी कराते थे। महीने में बच्चों का 25,000 सैलरी भी देते थे। इनके कब्जे से 47 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं जिसकी मार्केट की कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। इस गैंग के 5 सदस्यों को जीआरपी पुलिस ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। जीआरपी पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह ने बताया कि ये गैंग चोरी के स्मार्टफोन को बंगाल में भेजा करता था। इस गैंग के 4 सदस्य झारखंड के रहने वाले हैं, एक सदस्य गोरखपुर का है। इस गैंग के पास 47 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी जीआरपी ने बताया कि इनसे पूछताछ में पता चला कि इनका गैंग यूपी के पूर्वांचल के कई जिलों में छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चोरी के लिए इस्तेमाल करता था। ये छोटे छोटे बच्चे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर घुल मिल जाते थे और मौका पाते ही लोगों के मोबाइल पर हाथ साफ कर देते थे। इन बच्चों को बाकायदा ये गैंग उनके मेहनताने के तौर पर 25,000 रुपए हर महीने देता था। विजिलेंस टीम और पूरी टीम को लगाया गया तो आज सुबह प्लेटफार्म नंबर 1 ये 5 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले। इनके बारे में पहले से भी सूचना मिले थी सर्विलांस के माध्यम से, तो इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पिछले 8 दिनों में चोरी की हुई कुल 47 मोबाइल मिली। इनसे पूछताछ कर इन लोगों ने बताया कि ये एक टेम्पू किराए पर लेते हैं, टेम्पू लेकर के रेलवे स्टेशन से और प्लेटफार्म जो चोरी करते हैं उसके अलावा ये यहीं से एक टेम्पू करते हैं और टेम्पू से छोटी छोटी बाजारों में जा करके वहाँ से भी एक छोटा बच्चा है उसके माध्यम से ये मोबाइल चोरी करते हैं। और जब मोबाइल 50 की संख्या में हो जाता है तो इसको ले जा करके पश्चिम बंगाल और झारखंड में बेच देते हैं। कुछ साथी इसके पहले भी इनके गिरफ्तार हुए थे और हम लोगों ने ही उनको जेल भेजा था करीब 5-6 महीना पहले। वही ग्रुप ये भी उसके पहले भी काफ़ी मोबाइल बरामद हुआ था और उन लोगों को जेल भेजा गया। वो लोग भी पश्चिम बंगाल ही ले जाते झारखंड में थे। तो ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं वयस्क और एक जो बच्चा है तो 4 झारखंड के, इसमें से एक का नाम है करण कुमार महतो, दूसरा है गौतम कुमार, तीसरा राजू शर्मा, चौथा राहुल चौरसिया और ये लक्ष्मण कनौजिया जो है कोई गोरखपुर कराने वाला, इसी का टेम्पू है, इसी के टेम्पू करके भी लोग लेकर के जाते हैं, बाहर से भी चोरी करते हैं। तो इसमें रेलवे स्टेशन से, रेलवे की ट्रेनों से और बाहर के बाज़ारों से चोरी की हुई मोबाइल। सर टेम्पू वाले भी रहते हैं? हाँ टेम्पू वाले हैं। क्या अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है, वो नंबर और ट्रेस करके फिर उनको सूचित किया जाएगा, कहीं लिखा हुआ तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चे से चोरी किस तरीके से? बच्चे इसको लेकर के जैसे आप सब्जी लेने गए या रेलवे स्टेशन पर कहीं चाय पीने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो वो अपना बच्चा है उस पर कोई शक नहीं करता और इस तरह से बच्चे से निकलवा करके कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके पश्चिम बंगाल और झारखंड में भेजते हैं।